देखिए कहने को तो ये प्रैक्टिस मैच था, मगर फिर भी जीत जीत होती है और जीत एक हैबिट बन जाती है। मगर ऑफ लेट पाकिस्तान की हैबिट जीत से हार की तरफ ट्रांसफर हो गई है। एशिया कप में मात पड़ी, उसके बाद ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था जीतने के लिए, कॉन्फिडेंस अपने आप को देने के लिए, मगर वन साइडेड अफेयर न्यूजीलैंड ने कर दिया। 345 रन किए पाकिस्तान ने, मगर ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही 345 हो गया और बहुत ही जबरदस्त रन चेस किया। पाकिस्तान को मसले हैं, देखिए 345 से शायद ज्यादा रन होने चाहिए थे, नहीं हुए। अगर पाकिस्तान ऐसी पिचेस पे खेलेगा और भारत में ऐसी पिचेस ज्यादातर मिलेंगी तो फिर आपको 400 का स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपकी बॉलिंग इसी तरह से मिस फायर करती रहेगी तो 400 रन करने के लिए आपको मुख्तलिफ टेक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। अप फ्रंट नए बॉल के खिलाफ पहले 10-15 ओवर्स में आराम से बैटिंग करते हैं और फिर आखिर में हमला करते हैं। सो पहले अगर 10-15 ओवर्स में इनको हमला करना पड़ गया 400 रन के लिए, विकेटें गिर गई तो 200 में भी बाजी जो है सिमट सकती है। सो पाकिस्तान को मसले हैं और पाकिस्तान को ये मसले जो हैं इनका बॉलिंग अटैक जो है वही दूर कर सकेगा, क्योंकि इन पिचेस पे रन 350 कम से कम होंगे और आपको 350 रन बचाने हैं। वो कैसे बचाने हैं? आपको विकेट लेके, वो कैसे बचाने हैं? फील्डर्स अंदर लेके, वो कैसे बचाने हैं कि सिंगल्स रोक के, क्योंकि हुआ ये कि सिंगल्स भी दिए गए और फिर चौके भी खाए गए, सो प्रेशर ही नहीं बिल्ड हुआ मासवा एक दो ओवर्स के उसामा मीर के, बाकी तो बहुत ही हल्की फुल्की मौसीकी टाइप थी ये परफॉर्मेंस। दोनों तरफ पिच के बॉल किया, फील्डिंग बहुत ही ऑर्डिनरी थी, कैचेस भी ड्रॉप किए और फिर उसके बाद कोई भी ऐसा बॉलर दिखा नहीं कि जिसने कोई रिवर्स स्विंग की हो या जिसने कोई लेंथ पे आके बॉल किया हो या 6 बॉल एक लेंथ पे किए हो, कुछ ऐसा नहीं दिखा। सो मसले हैं पाकिस्तान को और ये मसले दूर वो खुद ही कर सकते हैं मेहनत करके। उनको आइडिया हो गया है कि पिचेस यहाँ हैदराबाद में ऐसी होंगी, पहले 2 मैच यहाँ पे हैं। सो एक तरह से आपको आइडिया है कि प्रिपरेशन में क्या खामी है और किस तरह से इसको दूर करना है। सो आपको 10-15 रन ज्यादा करने हैं और इसी तरह से बॉलिंग में मिडिल फेज में आपको विकेट लेनी है। टेक्टिकली पाकिस्तान पुअर थे, इसलिए कि जैसे मैंने कहा फील्डर्स भी अंदर नहीं थे। फील्डर्स अंदर रखने से क्या होता है कि आपके चौके के एंगल्स कट हो जाते हैं और फिर सिंगल्स भी आसानी से नहीं मिलती हैं और फिर बल्लेबाजों को अपिस शॉट्स खेलनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। 345 में पाकिस्तान को 4 या 5 ओवर्स अच्छे करने थे और ये रन रेट कहीं से कहीं चला जाना चाहिए था, मगर 4 या 5 ओवर्स क्या, 4 या 5 बॉल भी एक जगह पे ऐसे लगा कि जैसे नहीं कर सके हैं। स्पिनर्स को और मेहनत, फास्ट बॉलर्स को और मेहनत, हर बॉलर को अपनी फील्ड खुद सेट करनी चाहिए और एग्रेसिव फील्ड सेट करेंगे, विकेटें लेने की सोचेंगे तो तभी आप ये मैचेस जीत सकेंगे। अदरवाइज इसी तरह से होगा कि रन चेस आसानी से बाकी टीम्स कर जाएंगी, शायद बैटिंग